ne bozmadı. Elin bir zaten o dastı. Öğretmen adamı sana hiç ahel ediyiz. Fikse? Bana hiç ahel ediyiz. Bana kim onu uskaya ediyiz. Bana hiç rafıl eder kara. Beş ati hor bahım gana. Beş bana hediyesi number it fayt. Bana hiç ahel ediyiz. Suşu gümrah. Ağız ama hiç bunu yediye ne? Tabi şu ekir simaz karaybi. Bir sahaban ta'an gayri şu ekir asmaz karaybi. Ya isna ahlul hediyiz. Ya şuna ahlul sunna wal cemaat mas kihin. İşte yedin o kısmaz gaysin. Bir onki hediyesi number fulan. International numbering. Tavhid askun ayo. Tepat gaysin. Eli emir zuhunu bu izet. Ayki dobu mas kut insan te. Yigo kat. Beyiz dobu asma. Düşünü karmı kihin. Or azma işte gaysin. Pan ispans karın. Yedin tuvayti buğaz bayi kya vanan cu. Tim hitiyar kishin kihin kiyem. Usit patdi mukabla hiki. Yoke ate eri emsin nev şubah hata. Ağız ama मैं उमर सिद्दीक साहब को भी कहूंगा आप उल्टे भी लटक जाएं जब तक आप अपने फिरके की मिल्लत पे नहीं आते ना ये कभी भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। जिसका सबूत ये है कि ये इस फतवे में लिख रहे हैं कि ये हुसैनी और जजीदी की तफरीक जो उमर सिद्दीक ने शुरू की है इसकी वजह से हमारे फिरके को नुकसान हो रहा है। ये फतवा इनका उन लोगों के बारे में नहीं आया डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में 2009 में आठ से ऑलमोस्ट आप समझ लें 11 साल पहले उस वक्त इनको ख्याल आया कि ये तफरीक शुरू हो जाएगी इसलिए कि वो उनके फिरके की फेवर में बात कर रहा था क्योंकि बेसिकली तो ये फिरका यजीदी है। जब इनके हक में बात हो रही हो फिर इनको कोई ख्याल नहीं आता यार हुसैन अलैहिस्सलाम का तो मर्तबा ज्यादा है हम कोई बात करें। लेकिन अगर कोई कह दे कि जी ये जो जामिया तिर्मिजी की हदीस है मुस्नद अहमद में अल मुस्तदर बिल हाकिम में अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं इसकी वजह से हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं वो कहते हैं जी आप तफरीक डाल रहे हैं हुसैनी नहीं हमें तो अलवी फारूकी सिद्दीकी भी नहीं कहना चाहिए उस्मानी भी नहीं कहना चाहिए तो हुसैनी हम अपने आप को क्यों कहें। तो मेरे भाई अगर आप ये कहते हैं आपको अलवी उस्मानी सिद्दीकी और फारूकी नहीं कहना चाहिए तो हम इस हक में भी नहीं कि अपने आप को हुसैनी कहा जाए तो सलवी क्यों कहते हो अपने आप को एक अब्बा जे थोड़ा हां क्या रसूलुल्लाह से निस्बत है इस लफ्ज को। तुमने उसी फतवे में लिखा कि मोहम्मदी हैं हम तो सलफी क्यों लिखते हो तुम्हारे सारे अब्बे सलफी क्यों लिखते हैं। उधर नहीं तुम्हें ख्याल आया कि तुम उम्मत में तफरीक डाल रहे हो। यह सलफी क्या हजरत अबू बकर की निस्बत है उमर की निस्बत है उस्मान की है। और यह याद रखिएगा यह सलफ जो है ना साहबा को नहीं कहते हैं ना ये साहबा को सलफ मानते हैं ये सलफ उन बुजुर्गों को मानते हैं जिनके फतवों को ये लेके चल रहे हैं। इब्ने तैमिया को सलफी ये उनकी निस्बत से उनको सलफ मानते हैं उनसे पहले भी इनको जो इनके बुजुर्ग मुहद्दिसीन में ऐसे लगते हैं ना जिन्होंने इनके फिरके के हक में फतवे दिए उनकी वजह से ये अपने आप को सलफ कहते हैं। अगर ये सलफी से मुराद साहबा को मानते हैं तो हम आपको टेस्टर लगा देते हैं। सबसे बड़े सलफ तो हमारे कौन हुए सहाबा सलफ जो आगे गुजर चुके मर के उनको सलफ कहा जाता है। हम खलफ हैं हम पीछे आने फातिहा खलफुल इमाम इमाम के पीछे तो सहाबा से बड़ा तो सलफ कोई नहीं है ना। फिर हमें आप सलफ का आपको फॉर्म बताते हैं अगर आप कहते हैं हम सलफी हैं तो आप जो असल सलफ है ना उनका फॉर्म उम्मत के सामने रखें। सही बुखारी में हदीस है हजरत अम्मार इब्न यासिर के बारे में अम्मार इब्न यासिर वो हैं जिनके बारे में सही बुखारी में हदीस है कि अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला ने शैतान से महफूज कर इससे बड़ी कोई फजीलत हो सकती वो जुबान जो शैतान से महफूज। सुनन नसाई में हदीस है अम्मार सर के बालों से पांव के नाखनों तक लबालब भरा हुआ है ईमान से। दो सर्टिफिकेट तीसरा सर्टिफिकेट जो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के पहले शहदा अम्मार इब्न यासिर के मां बाप है। मां बाप को तो शहीद बताया गया हमें बचपन से अम्मार को किसने मारा और क्यों मारा ये कभी बताया गया। अगर ये इस्लाम के शहदा बताने पे ही इतने मुखलिस थे तो अम्मार के मां बाप को तो शहीद बताया अम्मार इब्न यासिर जो खुद शहीद हुए उनको किस रदी अल्लाह अन्हो ने किस रदी अल्लाह अन्हो के कहने पर इस रदी अल्लाह अन्हो को शहीद किया ये बताया। अम्मार इब्न यासिर का जुलूस कभी निकला उनकी शान में नहीं। मारने वालों को भी पता है मुस्नद इमाम अहमद में
अबुल गादिया नाम का पूरा चैप्टर है रजी अल्लाह ताला, हम तो एहतराम से ही नाम लेंगे, सुलह हुदैबिया के सहाबी हैं। उन्होंने अम्मार इब्ने यासिर को शहीद किया और पूरी जिंदगी रोते थे वो, मुसनद अहमद में तफसील मौजूद है, क्योंकि मुसनद अहमद में ही हदीस है कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। इब्ने अजर अस्कलानी ने थोड़ी कोशिश की कि अबुल गादिया को बचाएं, और उन्होंने कहा कि चूंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि जिन लोगों ने मेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की है उन्हें आग नहीं छुएगी, तो अबुल गादिया को वो फजीलत कफायत कर देगी। तो मुहद्दिस आजम सऊदिया अल्बानिया से जो शेख नासिरुद्दीन अल्बानी, उन्होंने सिलसिले हदीस सहिया में गिरफ्त की। उन्होंने कहा यह बहुत मुश्किल तावील आप कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर खास फतवा आ जाए वहां पर फजीलत आम उठ जाती है, क्योंकि अम्मार के कातिल के लिए खास ये बात आ गई कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में है, लिहाजा अब उसके ऊपर से आम फजीलत उठ जाएगी। तो अबुल गादिया किसकी फौज में था, वो कौन था, वो सबको पता है। तीसरी पार्टी कहां से आ गई, जो लोग कहते हैं ना तीसरी पार्टी, उन्हें कहो फिर अबुल गादिया को खारजी कहें, कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुसनद अहमद में अबुल गादिया की हदीसें हैं नबी अलैहिस्सलाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम के साहबी को तो खारजी नहीं कह सकते। तो ये कहानियां करा रहे हैं, पुराने जमाने की कहानियां, हमारे पंफलेट में हर चीज मौजूद है, तो बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी दूर तक जाएगी, मैं सिर्फ उसको कंक्लूड करूं जो गुफ्तगू मैं कर रहा था। तो अम्मार इब्ने यासिर जिनकी इतनी फजीलत है, वो सलफ नहीं है, सलफी लिखना है तो फिर उनके फतवे बयान करो। सुनो फिर पहला फतवा, सही बुहारी में कूफे के मेंबर पे खुतबा देते हैं हसन इब्ने अली, पहली सीढ़ी पे हैं ये दूसरी सीढ़ी पे, ऐ लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी सैयदा आयशा है, यानी फजीलत उनकी कम नहीं की, आखिरत में बीवी का मतलब कंफर्म जन्नती। और इमाम बुखारी ने हजरत आयशा की फजीलत वाले चैप्टर में अम्मार का यह खुतबा नकल किया, यानी उम्महातुल मोमिनीन की फजीलत भी शियाने अली बयान कर रहे हैं, यानी हजरत अली के साथी। एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी आयशा है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, यानी सैयद आयशा का जंगे जमल करना अम्मार इब्ने यासिर ने अल्लाह से जंग करने के मुतरादिफ करार दिया। तो ये सलफ नहीं है, इनका फॉर्म नहीं लेना, सलफी हैं तो फिर बताएं जंगे जमल में अल्लाह की पार्टी कौन सी थी और मुखालिफ पार्टी कौन सी थी, और सलफ का फॉर्म किसका, अम्मार इब्ने यासिर का। आपके सलफ तो आपके अपने बनाए हुए हैं, मैं तो उसको सलफ कह रहा हूं जिसकी जुबान की गारंटी सही बुखारी में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद दी कि इनकी जुबान से हक जारी होता है, शैतान से महफूज है। ये तो हमारे छोटे छोटे अल्फाज को लेके बैठे हैं जी, इसने कह दिया बदबख्त, वो हदीस में मौजूद है, मैंने तो उसके लिए नरम लफ्ज इस्तेमाल किया था जालिम, इनको हजम नहीं हुआ, यहां तो अल्लाह से जंग आ गई, अब क्या करेंगे। सलफी हो तो फिर कहो अम्मार इब्ने यासिर का फहम ये है, अहले सिफीन के बारे में भी सुन लें, सुन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है, अम्मार इब्ने यासिर ने कहा कि अहले सिफीन अहले शाम को काफिर ना कहो, यानी इन्होंने खलीफे वक्त के खिलाफ जो खुरूज किया है हजरत मुआविया उनकी जमात ने, इन्हें काफिर ना कहो बल्कि कहो ये फासिक और जालिम है। ये कहते थे जालिम लफ्ज दिखाएं, लें ले लें, फिर जालिम लफ्ज भी मौजूद है, फासिक और जालिम कहो। तो अम्मार इब्ने यासिर सलफ नहीं है, उनका फॉर्म नहीं बयान करना। तो मैं आपको बता रहा था ये सलफी नाम भी एक ढकोसला है, इससे मुराद वो सलफ है इनके जो इनके फिरके के अकायद को सपोर्टिव, अपना तो इनका एक बंदा भी थोड़ी सी करे तो आप देख ले उमर सदीक के साथ इन्होंने क्या किया है, और सारे उलमा ने उसे इस तरीके से, आपको पता नहीं इसके फिर नतायज क्या निकलेंगे, जब इतने उलमा करेंगे तो आंदा ये कहीं तकरीर करने जाएंगे तो अव्वल तो इनको मस्जिद में खड़े नहीं होने देंगे, होंगे तो लोग आवाजें कसेंगे, ठीक है, और इनको और पक्का करेंगे। ये कोई एटीट्यूड नहीं है कि आप इस तरह के मामलात में, और अगर आप मुंसिफ मिजाज होते तो फिर सबके बराबर आप सारे मामलात बराबर लेके चलते, अगर आप इन निस्बतों की मुखालफत कर रहे हैं ना
हुसैनी कहलवाने की या सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी और अलवी कहलाने की, फिर सलफी कहलाने की भी मुखालफत करें ना। मैं तो इससे भी एक स्टेप आगे हूं कि हम मोहम्मदी भी नबी इस्लाम की निस्बत की वजह से कहते हैं, अदरवाइज हमारा नाम जो है वो मुस्लिम है। सूरतुल हज में आया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लु वफी हादा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लु वफी हादा, पैरवी करो इब्राहिम की मिल्लत की जिसने कुरान के नुजूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में भी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। तो मुस्लिम हमें कहलवाने में फख्र महसूस करना चाहिए बजाय ये कि हम, और ये आप बताऊं, ये मोहम्मदन की टर्म भी जो ज्यादा इस्तेमाल की ना मुसलमानों के लिए, ये अंग्रेजों ने की थी, मोहम्मदन इंग्लिश में मोहम्मदन यानी ये मोहम्मद के फॉलोअर है। हम नबी इस्लाम को अपना पैगंबर और रहनुमा मानते हैं लेकिन हम इस्लाम का बानी नहीं उन्हें समझते। इस्लाम का बानी अल्लाह है और हजारों पैगंबर जो अल्लाह की दावत लेके रूए अर्ज पे आए और उनमें से आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई पायनियर नहीं है इस्लाम। तो हम उस एतबार से मोहम्मदी भी हैं, इब्राहिमी भी हैं, मूसवी भी हैं, ईसवी भी हैं, सारे पैगंबरों से हमारी निस्बत है और उसी को कंबाइंड तौर पर हम मुस्लिम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम मुस्लिम हैं।